जय हिंद दोस्तों, गारंटी सक्सेस क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे मध्य प्रदेश की भौगोलिक स्थिति। उसमें हम इसे दो भागों में बांटा गया है, कौन कौन सी प्राकृतिक संरचना के आधार पर हम पढ़ेंगे और मानवीकृत संरचना के आधार पर हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो प्राकृतिक संरचना के आधार पर हम क्या पढ़ेंगे, जो प्रकृति द्वारा हमें दिया गया है या उसे बांटा गया है उसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे नदियाँ, वहाँ पर मिट्टी कैसी है, वहाँ पर कौन सी चट्टानों से मिलकर वो बने हुए हैं, उसके बाद वहाँ पर फसलें कैसी होती हैं, इसके बारे में हम प्रकृति से ही मिलता है ये हमें, तो इसमें प्राकृतिक संरचना पे हम ये पढ़ेंगे। मानवीकृत में आते हैं हम, मानवीकृत संरचना में क्या, तो मानवीकृत का मतलब क्या होता है, इस शब्द का अर्थ क्या है, तो मानव द्वारा निर्मित, क्या होता है, मानव द्वारा निर्मित मानवीकृत कहलाता है। मानवीकृत को ही बोलते हैं, मानव द्वारा जो निर्मित होता है उसे ही मानवीकृत कहते हैं। तो इसमें क्या, तो मध्य प्रदेश की जो सीमा है वो हमने बांटी, प्रकृति ने तो बांटी नहीं है, जो आसपास के जो जिले हैं उसके बाद उसमें जो संभाग हैं ये मानव द्वारा निर्मित हुआ है, मानव ने ही इसे बांटा है, प्रकृति ने तो कुछ भी नहीं बांटा है, प्रकृति ने कुछ नहीं बांटा है, ये मानव द्वारा ही निर्मित है कि ये जो जिला बना है ये किसने बनाया है, तो इसके बारे में हम इसमें मानवीकृत संरचना में हम पढ़ेंगे। तो हम आज पढ़ते हैं, अभी हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश का भौगोलिक स्थिति। तो ठीक है, आइए देखिए। तो अब हम पढ़ते हैं प्राकृतिक संरचना के आधार पर मध्य प्रदेश की स्थिति। तो जब मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में। कब हुआ था मध्य प्रदेश का गठन, 1 नवंबर 1956 में। तो जब मध्य प्रदेश को 9 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था, कितने भौगोलिक प्रदेश थे, 9 भौगोलिक प्रदेश, कब थे, 1 नवंबर 1956 में कितने प्रदेश थे, तो 9 भौगोलिक प्रदेश थे। ठीक है, अब मध्य प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ, तो ये आगे हम पढ़ेंगे पुनर्गठन, पर अभी देख लेते हैं कब हुआ। तो ये हुआ 1 नवंबर 2000 में। तो ये जब हुआ 1 नवंबर 2000 में, तो इसमें जो छत्तीसगढ़ था अपना, मध्य प्रदेश के पास में ही लगा हुआ क्षेत्र था छत्तीसगढ़, तो इसको अलग कर दिया गया, कब कर दिया गया, 1 नवंबर 2000 को। तो इसमें अपने दो भौगोलिक क्षेत्र, दो भौगोलिक प्रदेश चले गए, तो बचे कितने, 7 भाग या 7 भौगोलिक प्रदेश। पहले कितने थे, 1 नवंबर जब गठन हुआ था तो वो थे 9 भाग थे, उसके बाद जब पुनः गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को तो कितने भाग बचे, 7 भाग बचे। तो वो दो भाग कौन थे, कौन से थे जो छत्तीसगढ़ में चले गए, तो पहला था महानदी बेसिन और दूसरा था दंडकारण्य। कौन कौन से थे, महानदी बेसिन और दंडकारण्य। ठीक है, तो अब हमें क्या पढ़ना है, अभी जो वर्तमान की स्थिति है, जो 1 नवंबर 2000 में जो ये छत्तीसगढ़ अलग हो गया है और मध्य प्रदेश जो बचा हुआ है उसमें 7 भौगोलिक प्रदेश है, तो इनके बारे में हम पढ़ेंगे, किसके बारे में पढ़ेंगे, ये 7 भौगोलिक क्षेत्र के बारे में। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं अपन मध्य प्रदेश की प्राकृतिक संरचना में। तो मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था, 1 नवंबर 1956 में हुआ था। तो मध्य प्रदेश के कितने भौगोलिक प्रदेश थे, तो 9 भौगोलिक प्रदेश थे। उसके बाद 1 नवंबर 2000 में उसका वापस से पुनर्गठन हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ अलग कर दिया गया, तो उसमें 2 हमारे भौगोलिक प्रदेश चले गए। तो वो कौन कौन से थे, तो एक तो था महानदी बेसिन और दूसरा था दंडकारण्य। कौन सा था, दंडकारण्य। तो अब वर्तमान में कितने बचे हैं, तो 7 भौगोलिक प्रदेश बचे हुए हैं, तो उसके बारे में हम पढ़ेंगे कि वो कौन कौन से हैं और उनके मैप में देखेंगे हम कि वो कहां कहां पर है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। तो भौगोलिक प्रदेश में हम समझते हैं, इसे मध्य उच्च प्रदेश में 5 भाग हैं। कौन कौन से, मध्य भारत का पठार, मालवा का पठार, रीवा पन्ना का पठार और बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी, ये कितने हो गए, 5। इसी का ये ग्रुप है, मध्य उच्च प्रदेश को 5 भागों में बांटा है, किसको, मध्य उच्च प्रदेश को,
मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार, रीवा पन्ना का पठार, बुंदेलखंड का पठार और नर्मदा सोन घाटी। छठवा है सतपुड़ा मेकल श्रेणी, कौन सी है? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। और सातवा है बघेलखंड का पठार। इसे अब साइड में मैप दिख रहा होगा आपको, उसमें आपको दिख रहा होगा कि ऊपर मध्य भारत का पठार है, उसके नीचे ही मालवा का पठार दिख रहा होगा आपको, उसके जस्ट नीचे वो जो नीली पट्टी दिख रही है वो नर्मदा सोन घाटी है, उसके जस्ट मध्य प्रदेश का सबसे दक्षिणतम छोर देख रहे होंगे आप तो दिख रहा होगा आपको सतपुड़ा मेकल श्रेणी। उधर ऊपर देखें तो आपको दिख रहा होगा बुंदेलखंड का पठार, उसके नीचे ही साइड में है रीवा पन्ना का पठार और उसके नीचे है बघेलखंड का पठार। तो ये आपने देखा होगा मैप में, एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए और अच्छे से देख लीजिए आप। तो जैसा हमने समझा कि मध्य प्रदेश को 7 भौगोलिक प्रदेशों में बांटा गया था, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो हमने पहला लिया है मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार लिया है। तो इसकी पहले अपन एक बार स्थिति समझ लेते हैं कि ये कहां पर स्थित है। ठीक है, अपन ने मैप में तो देख ही लिया था, अब इधर एक बार और समझ लेते हैं। तो ये मध्य भारत का पठार है, तो इसके उत्तर में क्या है? तो इसके उत्तर में है यमुना का मैदान। तो ऊपर से यमुना नदी आती है तो इसलिए इसका ऊपर यमुना का मैदान है, नीचे पश्चिम में दक्षिण में क्या आएगा? मालवा का पठार। क्या आएगा? उत्तर में आएगा यमुना का मैदान, दक्षिण में आएगा मालवा का पठार, पूर्व में क्या आ जाएगा? बुंदेलखंड का। बुंदेलखंड का पठार। और इधर पश्चिम में क्या जाएगा? तो पश्चिम में आ जाएगा राजस्थान। क्या जाएगा? राजस्थान। तो इससे चारों ऊपर क्या आ जाएगा? यमुना का मैदान, पूर्व में आ जाएगा बुंदेलखंड का पठार, दक्षिण में जाएगा मालवा का पठार और इधर आ जाएगा पश्चिम में क्या जाएगा? राजस्थान आ जाएगा। ठीक है, इसे समझ लिया? इसे अपन मिटा देते हैं। अब इसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करते हैं अपन। इसका क्षेत्रफल कितना है? इसका क्षेत्रफल है 32,896 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। यह मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल से का कितना है? 10.7। कितना है? 10.7 प्रतिशत ये मध्य प्रदेश का जो क्षेत्रफल है, जैसे कि ये मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल है, पूरा क्षेत्रफल है, इसमें से 10.7 ये अकेला है क्या? मध्य भारत का पठार, 10.7%। ठीक है, इसकी औसत ऊंचाई, इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर। कितनी है इसकी औसत ऊंचाई? 500 मीटर है। ठीक है, इसकी जलवायु कैसी है? इसकी जलवायु महाद्वीपीय प्रकार की है। महाद्वीपीय प्रकार की है, मतलब कि ठंड में ज्यादा अधिक ठंड में नहीं, गर्मी में ज्यादा गर्मी नहीं, बरसात में ज्यादा बरसात नहीं। और इसकी औसत वर्षा कितनी है? तो इसकी औसत वर्षा है 76 सेंटीमीटर। कितनी है औसत वर्षा? 76 सेंटीमीटर। और यहीं पे इसी पठार में ऊपर एक जिला आता है, उसका नाम है भिंड। अपन जिले में भी पढ़ेंगे पर यहां पर मैं बता देता हूं क्या है भिंड। यहां पर मध्य प्रदेश की सबसे कम वर्षा या न्यूनतम वर्षा होती है, कितने? तो 55 सेंटीमीटर। कितनी? 55 सेंटीमीटर यहां पर मध्य प्रदेश की सबसे न्यूनतम वर्षा कहां पर होती है? तो वो तो ये भिंड में। और कितने प्रतिशत, कितने सेंटीमीटर? तो 55 सेंटीमीटर। ठीक है, अब बात करते हैं यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है। तो यहां पर मिट्टी पाई जाती है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। इसको ही बोलते हैं कपासी मिट्टी। क्या बोलते हैं? कपासी मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी उपजाऊ में सर्वाधिक बहुत अच्छी रहती है। इसके बाद यहां पर इसकी फसलें क्या होगी? यहां पर गेहूं, गेहूं चावल, सोयाबीन, यहां पर इसकी मुख्यतः फसलें हैं। ठीक है, यहां पर खनिज में क्या बात करते हैं अपन? खनिज में बात करें तो यहां पर आती है चीनी मिट्टी। कौन सी? चीनी मिट्टी और चूना पत्थर यहां पर मुख्यतः पाए जाते हैं। ठीक है,
इस पठार में जो ये ऊपर की साइड है मध्य प्रदेश के उत्तर में, ये जैसे मध्य प्रदेश है तो ये मध्य प्रदेश के उत्तर में यहां पर शेहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति? शेहरिया। शेहरिया जनजाति पाई जाती। कौन सी जनजाति? शेहरिया जनजाति पाई जाती है, ठीक है। यहां पर नर्मदा, यहां पर कौन सी नदी बहती है? तो चंबल नदी। कौन सी नदी? चंबल नदी। इंदौर से निकलने वाली है, जानापाव पहाड़ी से चंबल नदी निकलती है और यहां पर जाकर यमुना में मिल जाती है। तो ये कौन सी इस पठार से मिल रही है? मुख्यतः एक ही नदी है यहां पर सबसे बड़ी, और इसी नदी के कारण भारत में सबसे ज्यादा बीहड़ यहीं पे पाए जाते हैं। सबसे बड़े बीहड़ या बीहड़ प्रदेश भी बोल सकते हैं, यहां पर भारत के सबसे बड़े बीहड़ यहीं पर पाए जाते हैं, मतलब गड्ढे, क्योंकि ये जो नदी जाती है यहां पर बहुत सारे गड्ढे बनाती है, क्योंकि ये मृदा अपरदन यहां पर सबसे ज्यादा होता है और यहां पर वन सबसे कम पाए जाते हैं। 20% से लेकर 27% तक यहां पर वन पाए जाते हैं, इसी के कारण मृदा अपरदन होता है और बड़े बड़े गड्ढे यहां पर बन चुके हैं। नदी कौन सी है? चंबल नदी है, ठीक है। यहां पर चट्टाने कौन सी है? तो आर्कियन चट्टाने। कौन सी चट्टाने? आर्कियन चट्टाने, धारावाड़ और विंध्य क्रम की चट्टाने यहां पर पाई जाती है, ठीक है। एक बार और समझ लेते हैं हम इसे, इसका स्क्रीनशॉट आप पहले ले लीजिएगा, अभी तो बिगड़ चुका ही है, मैंने लिखा है। तो मध्य भारत का पठार अपन पढ़ रहे हैं, इसकी स्थिति अपन ने समझी थी। तो ये मध्य भारत का पठार है, इसके नीचे दक्षिण में मालवा का पठार आएगा, ऊपर बुंदेलखंड का पठार, यहां पर साइड में पूर्व में बुंदेलखंड का पठार, ऊपर यमुना का मैदान आ जाएगा और इधर पश्चिम में राजस्थान आ जाएगा। क्या जाएगा? राजस्थान आ जाएगा, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? 32,896 वर्ग किलोमीटर है। जो मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? तो 10.7% मध्य प्रदेश के कुल क्षेत्रफल का 10.7% है, ठीक है। यहाँ की औसत ऊंचाई कितनी है? 500 मीटर है, ठीक है। यहाँ की जलवायु कैसी है? महाद्वीपीय, ज्यादा ठंड में ज्यादा ठंड भी नहीं, गर्मी में ज्यादा गर्मी भी नहीं, ठीक है। इसकी औसत वर्षा कितनी होती है? तो यहाँ पर औसत वर्षा होती है 76 सेंटीमीटर। सबसे कम वर्षा वाला जिला भी यही पाया जाता है जो कि भिंड है, वहां पर 55 सेंटीमीटर माना गया है, या न्यूनतम 55 सेंटीमीटर भिंड में ही माप किया गया है, ठीक है। यहां पर मिट्टी कौन सी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी, या बोल सकते हैं कपासी मिट्टी, ठीक है। यहां पर गेहूं, चावल, सोयाबीन इसकी प्रमुख फसलें हैं। उसके बाद खनिज की बात करें तो यहां पर चीनी मिट्टी और उसके बाद चूना पत्थर यहां पर मुख्यतः पाए जाते हैं। उसके बाद देखते हैं यहां पर शेहरिया जनजाति पाई जाती है। ऊपर की साइड जो है इस पठार में शेहरिया जनजाति पाई जाती है। नदियां एक है चंबल जो कि इंदौर से निकलती है जानापाव पहाड़ी से। आगे हम पढ़ेंगे नदियों के बारे में भी, कौन सी नदी कहां से निकलती है इसके बारे में बाद में पढ़ेंगे, पर अभी ये बता देता हूं, ये जानापाव पहाड़ी से निकलती है इंदौर से और यहां पर जाके यमुना में मिल जाती है। तो ये जो जा रहा है यहां से नदी जा रही है तो ये मध्य प्रदेश की सीमा बना देती है, उत्तरी सीमा, जो कि आप पढ़ेंगे आगे। तो यहां पर बड़े बड़े भीड़ बना दिए हैं, भीड़ या गड्ढे बोल सकते हैं अपन। तो ये भारत के सबसे बड़े गड्ढे यहां पर ही बने, क्यों बने हैं? क्योंकि यहां पर वन कम है, कितने? 20-27% ही वन है। तो मृदा अपरदन होता है इसके कारण यहां पर गड्ढे बने हुए। तो इसको भी अपन ने समझ लिया क्यों है। यहां पर चट्टाने कौन सी है? आर्कियन चट्टाने, धारावाड़ और विंध्य क्रम की चट्टाने पाई जाती है। अब अगली बार हम अगले उसमें पढ़ते हैं, अगले उसमें हम दूसरा पठार पढ़ते हैं। तो आइए देखिए, अब हम पढ़ेंगे मालवा का पठार। क्या पढ़ेंगे? मालवा का पठार। तो इसकी स्थिति समझ लेते हैं हम कि कहां पर है, इसके आसपास क्या क्या है। तो सोचिए, मानिए ये मालवा का पठार है, तो इसके उत्तर पश्चिम में यहां पर राजस्थान, दक्षिण पश्चिम में यहां पर गुजरात आएगा, ठीक है। इसके दक्षिण में आएगी नर्मदा, नर्मदा सोन घाटी आ जाएगी यहां पर। इधर आएगा ऊपर उत्तर में देख लेते हैं अपन, तो मध्य भारत का पठार, ठीक है। और यहां पर आएगा रीवा पन्ना का पठार। कौन सा? रीवा पन्ना का पठार आ जाएगा, ठीक है। इसके नाम लिख, यहां पर आ जाएगा राजस्थान, गुजरात, यहां पे आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी, इधर आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार,
ऊपर आ जाएगा मध्य भारत का पठार, ठीक है, दिख रहा होगा आपको राजस्थान, गुजरात, नीचे आ जाएगा नर्मदा सोन घाटी, पूरब में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार और ऊपर आ जाएगा मध्य भारत का पठार, ठीक है। अब इसके क्षेत्रफल की बात करें हम, तो इसका क्षेत्रफल मध्य प्रदेश का सर्वाधिक, यह पठार जो है मध्य प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्र घेरे हुए है, कितने 88,222 वर्ग किलोमीटर, जो कि सबसे बड़ा है। यह पठार दूसरे पठारों के मुकाबले सबसे बड़ा है, जो कि मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल के प्रतिशत में कितना है, 28% है। कितना प्रतिशत है, 28% है, ठीक है। यहां पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है, तो डक्कन की चट्टाने पाई जाती है। जलवायु कैसी है, तो महाद्वीपीय जलवायु है। वर्षा कितनी होती है, तो 75 से 125 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, तो यहां पर पाई जाती है काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी। यहां पर क्या फसलें होती है, तो गेहूं, गन्ना, कपास और सोयाबीन मुख्यतः यहां पर फसलें होती हैं। प्रमुख चोटियों की बात करें हम, चोटी पर्वत पर पाई जाती है। हम अगले लेक्चर में पर्वत पढ़ेंगे मध्य प्रदेश के। तो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है सिगार चोटी, जो कि 881 मीटर की है। दूसरी है जानापाव, यहीं से चंबल नदी निकलती है। हमने पिछले ही देखा था कि मध्य भारत के पठार से ही ऊपर से निकली है, जहां पर बहुत सारे गड्ढे कर दिए हैं, तो ये यहीं से निकली है जानापाव पहाड़ी से। और तीसरी है धजारी चोटी, कौन सी धजारी चोटी, जो कि 810 मीटर की है, ठीक है। इस पठार में इस पठार के मध्य से कर्क रेखा गुजरती है, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में भी हम पढ़ेंगे मानवीकृत संरचना में, ठीक है। कर्क रेखा के बारे में हम मानवीकृत संरचना में पढ़ेंगे। यहां पर फाइयान ने यहां की जलवायु को, कौन फाइयान, अब ये बंदा कौन है इसके बारे में हम थोड़ा समझेंगे, पर ये समझ लेते हैं। फाइयान ने यहां की जलवायु को सर्वश्रेष्ठ माना है। विश्व की सर्वश्रेष्ठ जलवायु कहां है, तो ये है मालवा के पठार में। ये किसने बोला है, तो ये फाइयान ने बोला। और ये फाइयान कौन था, तो ये एक चीनी यात्री था। ये चीन से आया था चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। किसके समय में, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में ये चीनी यात्री था। और ये बौद्ध भिक्षु था, कौन था, बौद्ध भिक्षु। ये आप इतिहास की क्लास में और अच्छे से पढ़ेंगे। यहां पर नदियां कौन सी पाई जाती हैं, नदियां कौन सी पाई जाती है, तो पहली होगी नर्मदा, ताप्ती, चंबल, बेतवा। ये जो है, ये दो नदियां नर्मदा और ताप्ती, कौन सी नदी, नर्मदा और ताप्ती नदी, ये पश्चिम की ओर बहती है, ऐसे पश्चिम की ओर बहती है और अरब सागर में जाकर मिल जाती है, ठीक है। चंबल जो है, चंबल और बेतवा, ये उत्तर की ओर बहती है और यमुना में जाकर मिल जाती है। कहां पर मिलती है, यमुना में जाकर मिल जाती है, ठीक है। तो ये मालवा के पठार के बारे में हमने समझा। अब अगले पठार के बारे में देखते हैं हम, देखिए, तो हम बात करते हैं बुंदेलखंड के पठार की। तो बुंदेलखंड के पठार का क्षेत्रफल कितना है, तो 27,737 वर्ग किलोमीटर, कितना है, 27,737 वर्ग किलोमीटर है। अब इसे प्रतिशत में देखें, तो मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कुल प्रतिशत में से ये 7.7% इसका क्षेत्रफल है। प्रतिशत में देखें तो 7.7%, ठीक है। यहां पर चट्टाने कौन सी पाई जाती है, तो अग्नेय और कायांतरित, अग्नेय तथा कायांतरित चट्टाने यहां पर पाई जाती है। उसके बाद देखें खनिज,
खनिज में ग्रेनाइट और नीस, ग्रेनाइट और नीस, और यहां पर रॉक रॉक फास्फेट मुख्यतः पाया जाता है। यहां पर ये आईएमपी है, रॉक फास्फेट यहीं पे पाया जाता है खनिज में, बुंदेलखंड के पठार में रॉक फास्फेट। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो इसकी औसत ऊंचाई है 300 मीटर। कितनी है? 300 मीटर। अब इसकी बात करें जलवायु की, तो जलवायु है महाद्वीपीय जलवायु, ठीक है। वर्षा कितनी होती है? तो 75 से 100 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। मृदा की बात करें तो यहां पर मिश्रित मृदा पाई जाती है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी दो ही मिलकर यहां पर लिखा हुआ है, काली मिट्टी और लाल मिट्टी मिलती पाई जाती है। उसके बाद फसल की बात करें तो जो गेहूं, उसके बाद तिलहन अलसी यहां पर फसल होती है, और यहां पर नदी है बेतवा, केन और एक और धसाना, यहां पर यह मुख्यतः नदी पाई जाती है। इसके बाद यहां पर ही खजुराहो मंदिर, जो अपना खजुराहो मंदिर है इसी पठार पर पाया जाता है, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एक बार और देख लेते हैं हम बुंदेलखंड के पठार में, इसका क्षेत्रफल है 27,737 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 27,737 वर्ग किलोमीटर। यह पूरा मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत है? 7.7% है। यहां पर कौन सी चट्टाने पाई जाती है? तो अग्नेय तथा कायंत्रित चट्टाने पाई जाती है। उसके बाद देखें खनिज, तो खनिज है ग्रेनाइट और नीस और रॉक फास्फेट मुख्यतः पाया जाता है यहां पर। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। औसत ऊंचाई बताइए, 300 मीटर ही नहीं है, 300 मीटर से ज्यादा भी है और कम भी है, औसत ऊंचाई बोला है ये, तो 300 मीटर है। इसकी जलवायु कितनी है? महाद्वीपीय जलवायु है। वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है यहां पर। मृदा कौन सी? मिश्रित मृदा, काली और लाल पाई जाती है। उसके बाद फसल की बात करें तो ज्वार, गेहूं, तिलहन, तिल और अलसी यहां पर मुख्य फसलें हैं ये। नदी की बात करें तो बेतवा और केन और धसाना यहां पर नदियां पाई जाती है। और उसके बाद बात करते हैं हम इसका, एक बार देख लेते हैं कि कहां पर ये है, इसके आसपास क्या क्या है, ठीक है। तो ये मान लीजिए कि बुंदेलखंड का पठार है, बुंदेलखंड के पठार के उत्तर पूर्व में, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ये पूर्व है और ये पश्चिम है। तो यहां पर उत्तर पूर्व में यहां पर यमुना का मैदान, ठीक है, यमुना का मैदान। उत्तर पश्चिम में यहां पर आएगा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत जो कि अपन ने शुरू में ही पढ़ा था, मध्य भारत का पठार, ठीक है। इसके दक्षिण पश्चिम में आएगा मालवा का पठार, मालवा का पठार, और इसके पूर्व दक्षिण में आएगा या दक्षिण पूर्व में आ जाएगा रीवा पन्ना का पठार। किसका? रीवा पन्ना का पठार। तो आपने समझा कि कहां पर है ये? उत्तर पश्चिम में मध्य भारत, उत्तर पूर्व में यमुना का मैदान, और उसके बाद दक्षिण पश्चिम में मालवा का पठार, और दक्षिण पूर्व में रीवा पन्ना का पठार आता है। ये इसके सारी सीमाएं हमने बता दी, और क्या क्या है यहां पर, खजुराहो मंदिर भी है, उसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो बुंदेलखंड का पठार हुआ, अब देखते हैं अगला पठार, आइए देखिए। तो अब हम पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार। कौन सा पठार? रीवा पन्ना का पठार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 31,954 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर। प्रतिशत में देखें तो 10.37, कितना है? 10.37 इसका प्रतिशत है। इसकी चट्टाने की बात करें तो यह है विंध्यान शैली में, शैल में, कौन से? विंध्यान शैल, चट्टान है, विंध्यान शैल है। इसे हम आगे पढ़ेंगे, क्या होता है जब पर्वत पढ़ेंगे तो मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको। उसके बाद खनिज, खनिज की बात करें तो चूना पत्थर कहां पर पाया जाता है? सतना में, सतना इसी पठार में आता है। हीरा पन्ना में पाया जाता है। हीरा, एक बात ध्यान में रखना, हीरे तराशने का कारखाना है पन्ना में, पर उसका प्रशिक्षण कहां पर किया जाता है? जबलपुर में। प्रशिक्षण का कहां पे है कारखाना? जबलपुर में, ठीक है। इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? तो 300 से 350 मीटर, 300 से 350 मीटर इसकी औसत ऊंचाई है। अब करें जलवायु, तो महाद्वीपीय जलवायु है इसकी। वर्षा कितनी होती है? 125 सेंटीमीटर यहां पर वर्षा होती है। मृदा की बात करें तो दोमट, दोमट मिट्टी, मतलब बोलते हैं कीचड़ टाइप, तो ऐसी यहां पर मिट्टी पाई जाती है दोमट।
फसल यहां पर गेहूं और ज्वार। नदी की बात करें तो केन और सोन नदी पाई जाती है और टोंस और बीहड़। कौन कौन से? केन, सोन, टोंस और बीहड़। अब ये बीहड़ नदी, इस बीहड़ नदी को याद रखना क्योंकि इसी पर है, बीहड़ नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम है चचाई जलप्रपात। क्या नाम है? मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात चचाई जलप्रपात बीहड़ नदी पर है। कहां पर है? बीहड़ नदी पर। एक बार और देख लेते हैं हम, क्षेत्रफल कितना है? 31,954 वर्ग किलोमीटर है। प्रतिशत में देखें तो 10.37%। उसके बाद चट्टानों की बात करें तो विंध्यान शैल पाए जाते हैं यहाँ पर। खनिज की बात करें तो चूना पत्थर और हीरा पन्ना, हीरा पन्ना में मिलता है, चूना पत्थर सतना में, ठीक है। औसत ऊंचाई 300 से 350 मीटर। जलवायु महाद्वीपी, वर्षा 125 सेंटीमीटर होती है। मृदा दोमट। और उसके बाद फसल की बात करें तो गेहूं और ज्वार यहाँ पर फसल होती है। उसके बाद नदी की केन, सोन, टोंस और बीहड़ नदी। बीहड़ नदी पर ही मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा जलप्रपात है जिसका नाम क्या है? चचाई जलप्रपात, ठीक है। इसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला पठार हम देखते हैं। तो अब हम पढ़ेंगे नर्मदा सोन घाटी के बारे में। तो नर्मदा सोन घाटी का क्षेत्रफल कितना है? तो 86,000 वर्ग किलोमीटर। कितना है? 86,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रतिशत में देखें तो 26% इसका क्षेत्रफल है प्रतिशत में। उसके बाद चट्टाने कौन सी है? डक्कन ट्रेप से यहाँ पर चट्टाने पाई जाती हैं। खनिज की बात करें तो ये संगमरमर, कोयला और टंगस्टन अगर गांव में पाया जाता है। कौन से गांव में? अगर गांव में टंगस्टन, ठीक है। इसकी जलवायु है तो मानसूनी है। इसके बाद वर्षा तो 125 सेंटीमीटर यहाँ पर वर्षा होती है। मृदा की बात करें तो गहरी काली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फसल की बात करें तो गेहूं, चावल और कपास, यहाँ पर गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं, ठीक है। गेहूं सबसे ज्यादा होते हैं, गेहूं, चावल, कपास। और नदी की बात करें तो नर्मदा सोन, नर्मदा सोन ये यहीं पे मिल जाएगा आपको कि नर्मदा और सोन इसके नाम में ही छुपा है, तो नर्मदा सोन। उसके बाद बात करें तवा और दूधी नदी। ये दूधी नदी नर्मदा की एक सहायक नदी है। इसकी एक महत्वपूर्ण और बात है कि ये मध्य प्रदेश राज्य का भूभाग में सबसे निचला हिस्सा है। जो ये नर्मदा सोन घाटी है ये मध्य प्रदेश के भूभाग की सबसे निचली भूमि है, ठीक है। तो ये थी नर्मदा सोन घाटी। एक बार और इसका रिवाइज कर लेते हैं। क्षेत्रफल है 86,000 वर्ग किलोमीटर। क्षेत्रफल प्रतिशत में देखें तो 26%। चट्टान, डक्कन ट्रेप्स। खनिज की बात करें तो संगमरमर, कोयला, टंगस्टन अगर गांव में आता ही है। और यहाँ पर चूना पत्थर भी पाया जाता है। जलवायु कौन सी है? मानसूनी। वर्षा 125 सेंटीमीटर। मृदा है गहरी काली मिट्टी। और यहाँ पर फसल की बात करें तो गेहूं, चावल, कपास पाए जाते हैं। और नदी की बात करें तो नर्मदा और सोन नाम में ही है, तो नर्मदा सोन, दूधी और तवा यहाँ पर है। और ये सबसे मध्य प्रदेश का सबसे निचला हिस्सा है, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला पठार। अब हम पढ़ेंगे सतपुड़ा मेकल श्रेणी। क्या पढ़ेंगे? सतपुड़ा मेकल श्रेणी। तो इसका क्षेत्रफल कितना है? तो इसका क्षेत्रफल है 34,000 वर्ग किलोमीटर। 34,000 वर्ग किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। प्रतिशत में देखें तो 11% इसका क्षेत्रफल है प्रतिशत में। चट्टाने तो गोंडवाना लैंड सबसे पुरानी प्राचीनतम जो चट्टाने मानी जाती थी गोंडवाना। उसके बाद खनिज, खनिज की बात करें तो मैंगनीज जो कि बालाघाट में, तांबा, लोहा ये भी बालाघाट में मिलता है। और कोयला, कोयला यहां पर शेडोल, कोयला शेडोल में मिलता है, ठीक है। तो कौन कौन सी? मैग्नीज, तांबा, लोहा और कोयला यहां पर मुख्य रूप से पाए जाते हैं। औसत ऊंचाई इसकी कितनी है? 900 मीटर। औसत ऊंचाई इसकी 900 मीटर है। परंतु यहां पर सबसे ऊंची एक चोटी है जो कि धूपगढ़ चोटी। अभी अपन इसके बाद ही पर्वत पढ़ेंगे उसके, उसमें मैं बताऊंगा धूपगढ़ चोटी जो कि 1350 मीटर की है पंचमणी में महादेव पर्वत पे। उसके बाद जलवायु मानसूनी है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। और यहीं पे सतपुड़ा मेकल श्रेणी में पंचमणी एक
स्थान है वहां पर 199 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में कहीं वर्षा होती है तो वो पंचमणी है, ठीक है। और पर्यटनों का स्वर्ग, मध्य प्रदेश में पर्यटनों का स्वर्ग बोले तो वो पंचमणी ही कहलाता है, ठीक है। तो पंचमणी में 199 सेंटीमीटर वर्षा होती है, पर्यटनों का स्वर्ग मध्य प्रदेश में का ही है तो वो है पंचमणी में। अब देखते हैं हम, वर्षा हो गई है, मृदा देखते हैं तो काली मृदा है, उसके बाद फसल देखें तो ज्वार और गेहूं, नदी में ताप्ती, तवा और वैनगंगा, ताप्ती, तवा और वैनगंगा यहां पर है नदियां, ठीक है। एक बार वो रिवाइज कर लेते, क्योंकि रिवाइज क्षेत्रफल में 34,000 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में देखें 11%, चट्टाने गोंडवाना लैंड, ठीक है। खनिज में मैग्नीज, तांबा, लोहा और कोयला पाया जाता है, मैग्नीज बालाघाट में, तांबा और लोहा भी बालाघाट में, और कोयला है जो शेडोल में पाया जाता है। औसत ऊंचाई देखें तो 900 मीटर, सबसे इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़ की चोटी जो कि 1350 मीटर की है। उसके बाद बात करें जलवायु की तो मानसूनी जलवायु है, वर्षा की बात करें तो 125 से 150 सेंटीमीटर तक यहाँ पर वर्षा होती है, सबसे ज्यादा वर्षा पंचमणी में होती है जो कि 199 सेंटीमीटर ज्ञात की गई है। उसके बाद पर्यटनों का स्वर्ग, पर्यटनों का स्वर्ग किसे कहा जाता है मध्य प्रदेश का, ऐसा क्वेश्चन आए तो आपको पंचमणी लगाना है, पर्यटनों का स्वर्ग पंचमणी कहलाता है, ठीक है। मृदा यहाँ पर काली है, फसल ज्वार और गेहूं है, नदी है ताप्ती, तवा, वैनगंगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अगला पठार, अब हम देखेंगे बघेलखंड का पठार, क्या देखेंगे, बघेलखंड का पठार, ठीक है। इसका क्षेत्रफल कितना है तो 25,000 वर्ग किलोमीटर, कितना है 25,000 वर्ग किलोमीटर, प्रतिशत में देखें तो 7%। ये सभी पठारों में सबसे छोटा पठार है बघेलखंड का पठार, कितना है प्रतिशत में 7% है, और क्षेत्रफल में देखें तो 25,000 वर्ग किलोमीटर, ठीक है। ये मध्य प्रदेश का सबसे छोटा पठार है जो कि पूर्व में है, कहां पर है पूर्व में। चट्टानों की बात करें तो गोंडवाना चट्टाने पाए जाते, खनिज की बात करें तो कोयला सिंगरौली में, और बागसाइड, सिंगरौली जो है ये मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, सिंगरौली जो है मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है, ये भी हम आगे पढ़ेंगे इसके बारे में। तो खनिज में क्या आएगा, कोयला सिंगरौली में और बागसाइड, ठीक है। उसके बाद औसत ऊंचाई की बात करें तो ये कितनी है 400 मीटर, कितनी है 400 मीटर। जलवायु की बात करें तो मानसूनी जलवायु पाई जाती है यहाँ पर, वर्षा 125। उसके बाद मृदा देखें तो लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। फसल की बात करें तो चावल सबसे ज्यादा पाए जाते हैं या होते हैं। नदी की बात करें तो सोन, नर्मदा और जोहिला, सोन, नर्मदा और जोहिला यहाँ पर नदियां हैं, ठीक है। ये जो पठार है सबसे प्राचीनतम पठार है, क्योंकि यहां पर सबसे प्राचीनतम चट्टाने पाई जाती हैं, ठीक है। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, क्षेत्रफल में 25,000 वर्ग किलोमीटर है, प्रतिशत में देखें 7% है, ये सबसे छोटा पठार है मध्य प्रदेश का, ठीक है। चट्टाने कौन सी, गोंडवाना। उसके बाद खनिज की बात करें तो कोयला सिंगरौली में, सिंगरौली मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी है। उसके बाद बागसाइड, औसत ऊंचाई कितनी है 400 मीटर है, जलवायु मानसूनी है, वर्षा 125 सेंटीमीटर, मृदा है लाल पीली मिट्टी, और उसके बाद फसल देखें तो चावल होते हैं यहां पर सबसे ज्यादा, ठीक है। नदी की बात करें तो सोन, नर्मदा और जोहिला नदी यहां पर है। तो आज हमने सारे पठार पढ़े, इसमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसे बस स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप सबका, पोस्ट करके वीडियो को, और उसे याद कीजिएगा, और कुछ भी डाउट हो तो कमेंट के माध्यम से हमें पूछ लीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।